जी वाले स्टेज में देखिए, अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्या दिखना शुरू हो रहा है, यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे देखिए प्रोटोट्रॉच आना शुरू हो रहा है। अब ये प्रोटोट्रॉच क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, जो लाइनिंग होता है हमारा इसका ट्रोकोफोर लार्वा की, सीलिया जो होता है, जो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से दिखाई देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोट्रॉच। इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं पोस्ट लार्वल। अभी देखिए हम लोग पहले बात किए थे प्री, जब हमने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हुई है और जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो पोस्ट है। अब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस होने में क्या होता है कि कई दफ़े बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो लार्वा बनते हैं तो उस समय वो फीडिंग शुरू कर देते हैं। फीडिंग क्या होता है, मतलब कि जो फूड मटेरियल वगैरह है उसको एब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत दफ़े ऐसे लार्वा होते हैं जो कि बिल्कुल भी फीड नहीं करते। तो जो नेरिस का हमारा लार्वा होता है वो जो है फीड नहीं करता है जब तक वो अपने लार्वल स्टेज या ट्रोकोफोर लार्वा से बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। मतलब जब तक उसके जो माउथ हैं पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए, तब तक जो है वो अपने जो जो फीडिंग मैकेनिज्म है उसको अप्लाई नहीं करता है। तो यहाँ पे या इस जगह से जानना, देखिए द प्री ओरल एपिकल पोर्शन, प्री ओरल जो प्रो ओरल होता है, जैसे है उसको प्री ओरल बोलो, जो एपिकल पोर्शन होता है वो होता है हमारा इस जगह पे, ठीक है ना। डेवलप इंटू प्रोस्टोमियम ऑफ एडल्ट। अब प्रोस्टोमियम ऑफ एडल्ट क्या होता है, जब आप एक एडल्ट हेटरोनेरिस देखेंगे तो उसके ऊपर की तरफ आपको उसका माउथ पार्ट दिखाई देता है, उन्हीं माउथ पार्ट्स में क्या होता है हमारा प्रोस्टोमियम होता है जब हम एडल्ट देखते हैं। तो यही जो हमारा प्री ओरल एपिकल होता है इस जगह पे, यही आगे जा करके क्या डेवलप करेगा, यही आगे जा करके माउथ पार्ट डेवलप करेगा। अभी मैं आगे और अच्छी तरह बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक। तो ये हमारा ट्रोकोफोर लार्वा है और यही आगे जा करके डेवलप करेगा एक नेरिस में। किस में डेवलप करेगा, एक नेरिस में डेवलप करेगा। अब इस लेक्चर को जानना इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सीलिया वगैरह हैं ये सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी, ये सब धीरे धीरे नहीं रह जाएंगी, और जो ये सब स्ट्रक्चर गट्स वगैरह हैं यहीं पे हमारे ट्रंक आने, बॉडी सिगमेंटेड होना शुरू हो जाएगी। मतलब अब यहाँ से बॉडी हमारी डिवाइड करना लगातार शुरू होगी। तो फर्स्ट सेगमेंट बिकम पेरिस्टोमियम, सबसे पहले सबसे माउथ का ऊपर वाला पोर्शन पेरिस्टोमियम, एंड लास्ट सेगमेंट जो होता है इनका वो क्या होता है, पाइजीडियम होता है, जो कि एनस के पास का पोर्शन होता है। तो इसको हम लोग क्या होता है, पाइजीडियम। तो सबसे ऊपर का पोर्शन और सबसे नीचे का पोर्शन ट्रोकोफोर लार्वा में आपको देखने को मिल रहा है। सीलियरी ब्लैंड बैंड्स डिसअपियर, जो यहाँ पे सीलियरी बैंड्स आपको देखने को मिल रही है, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। लार्वा ग्रो इन साइज, फिर लार्वा क्या होगा, साइज में बढ़ेगा और उसके बाद जाकर के आगे एक नया हेटरोनेरिस बना लेगा। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट था, ठीक है ना, कंप्लीट डेवलपमेंट था जो कि आपको समझना था नेरिस देखिए में। लेकिन अगर मैं एक टिपिकल बात करूं, टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा की बात करूं, तो वो कुछ देखने में इस तरह का होता है। अब ये डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह का डायग्राम तो नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि एक 3D डायग्राम है और इसको अच्छी तरह से देखना और समझना है। सबसे पहले देखिए यहां पे ऊपर की तरफ जो हमें एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया दिखाई दे रहा है, एपिकल प्लेट दिखाई दे रहा है, जो कि जिसका काम क्या होगा, एपिकल टफ्ट सीलिया को मूव कराने का होगा। और यहाँ पे हमें गैंग्लियॉन दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा गैंग्लियॉन होता है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम है, सेंसरी की तरह ही काम करता है, सेंसरी ऑर्गेन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे गैंग्लियॉन है, ये और ये तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बेसिकली सेंसरी एपिकल ऑर्गेन की तरह काम करते हैं। और ध्यान रहे कि यही जो हमें ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही आगे जा करके बनेगा इसका माउथ पार्ट, क्या बने, माउथ पार्ट बनेगा, इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऊपर का पोर्शन हमें जा करके बनेगा हमारा माउथ पार्ट, जिसमें होंगे पेरिस्टोमियम वगैरह स्ट्रक्चर होंगे, जो आपको थोड़ा सा कलरफुल देखने को मिलता है हेटरोनेरिस में। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने बताया कि इनका जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको गट कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको गट कहते हैं, ये पूरा हमें दिखाई देगा। मतलब कि हमें देखिए इसमें माउथ भी है, एक एक हम क्या बोलते हैं, एक हमें क्या होना चाहिए, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होना चाहिए, ईसोफेगस होना चाहिए, स्टमक होना चाहिए, इंटेस्टाइन भी है और एनस भी है। तो मतलब इसमें एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। ब्लास्टोसील एक टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा में ही देखने को मिलता है, हेटरोनेरिस में ब्लास्टोसील एब्सेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लास्टोस, अभी जब उसमें मैंने आपको बताया था नेरिस वाले में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे ब्लास्टोसील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ब्लास्टोसील देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए इस चीज़ को इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक बैंड दिखाई दे रहा है हल्के रंग से, ठीक है, और इन्हीं से हमारी सीलिया निकली होती हैं, इन्हीं बैंड से हमारी सीलिया निकली होती हैं, तो इस बैंड को हम लोग कहते हैं प्री ओरल सीलिएटेड बैंड। क्या बोलते हैं? प्री ओरल सीलिएटेड बैंड बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग प्रोटो आर्क भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले चलो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। अनसिगमेंटेड सीलिएटेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा अनसिगमेंटेड होता है, ट्रोकोफोर लार्वा अनसिगमेंटेड होता है, लेकिन जब ये नेरिस में डेवलप करेगा तो बॉडी कैसी होती है इनकी, सिगमेंटेड हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो लार्वा होता है, लार्वा बिल्कुल सेम टू सेम एक एडल्ट जैसा नहीं होता है, कई दफ़े उसमें काफ़ी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिलीट होते हैं, कई दफ़े काफ़ी नए स्ट्रक्चर उसमें ऐड होते हैं। जैसे अभी आप आगे जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे, जब ये नेरिस में कन्वर्ट होगा तो इसके सीलिया वगैरह रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे जो है वो सिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा। बॉडी अभी अनसिगमेंटेड होती है इनकी, सीलिएटेड होती है, सीलिया मौजूद होती है तो सीलिएटेड होती, पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब देखिए पूरा पियर लाइक एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए पिलैगिक क्रिएचर, अब ये ध्यान में रखना है ये क्या होता है, ये होता है मतलब ऐसे, ये जो ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि समुद्र के अंदर ना तो बहुत गहराई में होते हैं और ना तो बहुत सरफेस पे होते हैं, मतलब एक मिडिल रीजन में होते हैं। ये जो पिलैगिक रीजन होता है ये हमें ओशन के अंदर देखने को मिलता है, तो ओशन को हमने एक अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनकी गहराई के अकॉर्डिंगली, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली, तो ये पिलैगिक क्रिएचर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और जानना है तो गूगल कर लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अ प्री ओरल सीलिएटेड गर्डल ऑफ सेल्स, यहाँ पे हमें क्या होता है प्री ओरल सीलिएटेड गर्डल ऑफ सेल्स, ये चीज़ आपकी बात कर रहा है कि ये देखने को मिलती है जस्ट एबव इक्वेटर, इक्वेटर मतलब बीच के पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है प्री ओरल वाला जो रीजन, उसकी बात ये कर रहे हैं। एंड कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोट्रॉड ट्रॉक, क्या कहते हैं प्रोटोट्रॉक कहते हैं, इसी चीज़ को प्री ओरल सीलिएटेड बैंड को ही हम क्या कहते हैं प्रोटोट्रॉक कहते हैं। बहुत दफे लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रोटोट्रॉक एक अलग सा नाम आता है, तो इसी को प्री ओरल सीलिएटेड बैंड को ही हम लोग कहते हैं प्रोटोट्रॉक। अब पोस्ट ओरल, अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ वाला जो बैंड है इसको हम लोग पोस्ट कहते हैं, ये हमारा प्री है और ये हमारा पोस्ट है, तो पोस्ट वाले को हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं इनको मेटाट्रॉक कहते हैं, क्या बोलते हैं मेटाट्रॉक कहते हैं इस बैंड को, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे सीलिया दिखाई दे रही है इसको हम लोग टीलोट्रॉच कहते हैं, ठीक है, टीलो ट्रॉक बोल दो, ट्रॉच बोल दो, जो बोलना है बोल दो, तो ये जो यहाँ पे जो सीलिएटेड बैंड पाई जाएगी इसको हम लोग टीलोट्रॉच कहेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक है हमारा प्री ओरल सीलिएटेड बैंड, एक है हमारा पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड, और एक है हमारा टीलोट्रॉक जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमें जहाँ जहाँ पे हमारे सीलिया मौजूद होते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। अब देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, जैसा कि मैंने कहा जो डाइजेस्टिव का पूरा जो ट्रैक्ट होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। माउथ लाइज वेंट्रिकली जस्ट बीनीथ द प्रोटोट्रॉक, प्रोटोट्रॉक के पास में होता है, एंड एनस इज नियर द लोअर एपेक्स, और जो एनस होता है वो नीचे की तरफ होता है। इन सम देयर इज ऑल्सो टीलोट्रॉक, वहीं पर हमें टीलोट्रॉक देखने को मिलते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनस, इट इज ऑल्सो हेल्प इन फीडिंग एंड लोको मोशन। अगर मैं इन सीलिया की बात करूँ, ये जो टीलोट्रॉक हैं और जो प्रोटोट्रॉक हैं, इनका मेन बेसिक काम होता है डाइजेस्ट फीडिंग करने में, फूड को कैप्चरिंग करने में, ठीक है, और लोकोमोशन में। ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक टिपिकल जो है ट्रोकोफोर लार्वा है तो ये फीड कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपका हेट्रोनेरिस तो वो फीड नहीं करता है, वो अपने यॉर्क से ही अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। गट इज रिकॉग्नाइज्ड इनटू ओसोफेगस स्टमक एंड इंटेस्टाइन, गट का जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें क्या होता है ओसोफेगस देखने को मिलता है, स्टमक देखने को मिलता है और इंटेस्टाइन देखने को मिलता है। ट्रोकोफोर इट इज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लैक्स असीलोम, हमें ट्रोकोफोर में शुरुआत में, यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो स्टमक वगैरह तो बन गए लेकिन अभी इसमें हमें सीलोम देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट्स इसको ध्यान रखिएगा यही ट्रोकोफोर लार्वा में आपको लिखना है और यही डायग्राम आपको बनाना है। इतनी चीज़ समझ में आई, किसी को इसमें कुछ पूछना है जल्दी जल्दी यस बोलो माइक ऑन करके। स्ट्रक्चर है, अब इसको बताने का उतना कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको कि ये क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती हैं, बस इतना ध्यान दो इस डायग्राम को मैंने इसलिए लिया हुआ है कि आप जान सको कि डेवलपमेंट आखिर किस तरीके से हमारा
हो रहा है। सबसे पहले देखिए ध्यान देना ध्यान देने की बात है, यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो देखिए यहाँ पे सिलेटेड ब्लैंड, ये आपको एक इंटरनल स्ट्रक्चर पहली बात तो बता रहा है, और ये हमें ट्रोकोफोर लार्वा है। और इसके बाद जब ट्रोकोफोर लार्वा जब डेवलप कर रहा है तो ट्रोकोफोर लार्वा के बाद देखिए इनकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट आने शुरू हो जाते हैं, देख रहे हैं मतलब अब ये नेरिस के फॉर्म में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, इनकी जो ट्रंक है जो बॉडी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे वो सेगमेंटेड होनी शुरू हो रही। तो ये कब शुरू होती है, जब हमारा ट्रोकोफोर जो लार्वा होता है जब उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है तब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इस रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेटामॉर्फोसिस रिजल्ट इन इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस, जैसे ये मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करते हैं तो ये जिस भी हैबिटेट में रहते हैं वहाँ से ये मूव करते हैं, सच एज प्रोटोनेफ्रीडिया, इनमें जो प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा सा आपको फूल जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, प्रोटोनेफ्रीडिया जानना क्यों ज़रूरी है, जैसे से इनका डेवलपमेंट होता है ये प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ से क्या होती हैं, ये चीज़ यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ से क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है नेफ्रीडियम में, किसमें कन्वर्ट होती है नेफ्रीडियम में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसमें चेंज देखने को मिलता है प्रोटो नेफ्रीडिया के अंदर। इक्टोमीजोडर्मल मसल्स बैंड आर सीलिएटेड गर्डल, जो मीजोडर्मल बैंड्स होती हैं वो चीज़ बता रहे हैं क्या होते हैं हमारे सीलिएटेड होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे ये वाला पोर्शन यहीं पे हमारी मीजोडर्म की सेल होती है, देखिए इक्टोडर्म की सेल तो यहाँ पे है और इंडोडर्म की सेल हमारी यहाँ पे है, मीजोडर्म की जो सेल होती है वो हमारी यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो जब हमारा इक्टोडर्म अपना फंक्शन कर देता है, इंडोडर्म अपना फंक्शन कर देता है, उसके बाद फिर हमारा मीजोडर्म अपना फंक्शन करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे जो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ट्रोकोफोर लार्वा उसके कोने के साइड में यहाँ पे यहीं पे क्या होते हैं, इसी पोर्शन में हमारे क्या होते हैं मीजोडर्म पाए जाते हैं। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा का बेसिकली है, ये मीजोडर्म के बारे में मैंने लिखा हुआ है जो कि मैंने बता दिया है आपको। तो ये बेसिकली था हमारा ट्रोकोफोर लार्वा, और ट्रोकोफोर लार्वा में इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है जो कि आपको लिखने के लिए ज़रूरी है। ये डायग्राम ये वाला स्लाइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डेवलपमेंट है मतलब ये इसका डेवलपमेंट कैसे हमारा ट्रोकोफोर लार्वा का हो रहा है नेरिस के अंदर, ठीक। तो इसको भी ध्यान देना, अब मैं एक बार पूरा समराइज कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें ये हैं, तो आपको एक प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हुई हैं। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिला। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि मेल ने अपने स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल अपना ओवम प्रोड्यूस करता है, दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, और एक्सटर्नली इंटरनल मतलब क्या होता है, जब मेल का स्पर्म और ओवम जैसे ह्यूमन बीइंग है अंदर फ्यूज़ करता है वो इंटरनल है, लेकिन इनमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है। तो जब वो होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डेवलपमेंट शुरू होता है, किसका डेवलपमेंट हमेशा शुरू होगा हमारे एग का, ठीक है। जब हमारे एग का डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद यहाँ पे क्लीवेज बनती हैं, जो कि आपको पहले बता दूं कि जब भी कोई एग होता है जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद उसमें क्लीवेज बनना शुरू होता है, फिर उसमें ब्लास्टोमियर की सेल बननी शुरू होती है, मतलब उनका जो गैस्टुलेशन ब्लास्टुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी स्टेज यहाँ पे है, किस तरीके से सेल डिवाइड की है, पहले चार हमारी ब्लास्टोमियर बनी, फिर उनसे हमारे माइक्रोमियर और मैक्रोमियर बने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो माइक्रोमियर है वो हमारा किस पोर्शन में होता है, एनिमल पोल की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है, और जो हमारा वेजिटल पोल होता है वो हमारा नीचे की तरफ होता है। इस तरीके के एग को हम लोग बोलते हैं क्या, इस तरीके के एग को आप बताएंगे, आप होमवर्क है आपका, नोट कर लीजिए और देखते हैं कि स्लाइड को जो इस होमवर्क को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कौन भेजता है, कि ऐसे हमारा जो कि हेटरोनेरिस में किस टाइप का जो क्लीवेज होता है वो पाया जाता है, ठीक है, नेरिस में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है और नेरिस में किस टाइप का एग पाया जाता है, ये आप सर्च करिएगा, ढूंढिएगा, जैसे भी होगा इसे हमको आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद हमारा फाइनली इन्हीं डेवलपमेंट के बाद GHI, देखिए वो था EF तक था, फिर GHI जे में जो है वो हमें पूरा एक हेटरोनेरिस देख ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है नेरिस का, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमें ब्लास्टोसील देखने को नहीं मिल रही है, जैसा कि मैंने कहा ये एक टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा से अलग होता है। अब कन्फ्यूज़न जो आ रही होगी वो ये आ रही होगी, सर जब ट्रोकोफोर लार्वा है तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे है, दोनों अलग अलग कैसे हैं। देखिए जो हमारा नेरिस है उसकी बॉडी कुछ अलग टाइप की, उसकी जो सिगमेंट है वो अलग टाइप के हैं, ट्रोकोफोर लार्वा का जो सिगमेंट है वो बिल्कुल अलग टाइप का है, एनेलीड की जो बॉडी है वो बिल्कुल अलग टाइप की है, और इनकी जो बॉडी वो अलग टाइप की, हैबिटेट काफ़ी अलग है।
तो कहने का मतलब इतना होता है कि हर चीज़ में अपना अलग अलग टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि आप अगर कोई एक ऐसा एनिमल है जिस जो कि मीट मीट वगैरह ज़्यादा खाता है, तो आपने देखा होगा उसके दांत में आपको एडाप्टेशन देखने को मिलती है, उसके दांत जो कैनाइन होते हैं वो बड़े होते हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो चीज़ हमें मान लो अगर ये फीडिंग करने में ऑलरेडी इनके एग में इतना कंटेंट है कि ये इस लार्वा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो है किसी भी न्यूट्रिशन को कैप्चर करे। तो इसीलिए इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह भी जो टिपिकल ट्रोपोफोल लार्वा है उसके इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव या इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। लेकिन जब भी आपसे ट्रोकोफोल लार्वा पूछेगा तो आप यही डायग्राम बनाएंगे, इसी डायग्राम को आप एक्सप्लेन करेंगे, इसी डायग्राम को आप बताएंगे भी। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें थी वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बनाएंगी। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देख ले रहा हूँ अगर होगा तो बताने लायक तो बताऊँगा, वरना नहीं कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ आपको मुँह से मैंने बता दिया है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है यही जाकर के आगे क्या बनाएगा, पेरिस्टोमियम बनाएगा। बाद में ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन, यही पोर्शन हमें ट्रंक में डिवाइड कर ट्रंक जो होता है ट्रंक में डिवाइड करना शुरू करेगा, बॉडी सेगमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रोकोफोल लार्वा था। और बाकी कोई सवाल हो जो भी पूछना है भाई पूछ लो, एक दफ़ा माइक ऑन करके अब सीधे सीधे बोल दो वरना